प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ जनजातीय समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विशेष और महत्वपूर्ण भागीदारी के विकास में विभिन्न सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा हुई। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हनुमान सेतु मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई के काम में हुए शामिल। राजनाथ सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर परिसर की सफाई। योगी सरकार की नीतियों के कारण अमेरिका की विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने सोमवार को विमान के पार्ट्स बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के खुर्जा को चुना। बोइंग ने यहां गोदाम खोलने की घोषणा की। प्रवर्तन निदेशालय ने खनन के आरोपी रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के मुंबई में बोरीवली मलाड स्थित दो ठिकानों पर मारा छापा। पारिवारिक जनों के नाम पर खरीदे गए 6 फ्लैट की मिली जानकारी होगी जब्ती। श्री राम मंदिर उद्घाटन के बाद अलीगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को देंगे अरबों रुपए की सौगात। इस कार्यक्रम में प्रदेश के ब्रज प्रांत और पश्चिमी प्रांत के जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। बाईस जनवरी को दोपहर 12:20 पर शुरू होगा अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। 23 जनवरी से आम लोगों को रामलला के मिल सकेंगे दर्शन। यूपी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में पहुंचा अयोध्या। मां सरयू में स्नान करने के बाद भगवान श्री रामलला के किए दर्शन। धर्मनगरी में भगवान राम की चरण पादुका के दर्शन के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह बनाए गए तोरण द्वार। यात्रा को जगह रोक कर श्रद्धालुओं ने किया चरण पादुका के दर्शन। अयोध्या में 22 जनवरी को स्थापित होगी कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को इसी मूर्ति की करेंगे प्राण प्रतिष्ठा। वर्तमान मूर्ति भी गर्भगृह में ही रखी जाएगी। अयोध्या में भगवान श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जिन वस्त्रों को धारण करेंगे उन्हें राम दल अयोध्या के अध्यक्ष कल्की रामदास महाराज ने मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को किया समर्पित। अयोध्या कैंट से आनंद विहार वाया लखनऊ चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पहले 15 तक कैंसिल की गई थी जो अब 22 तक निरस्त रहेगी। 16 से 22 जनवरी तक फैजाबाद लखनऊ पैसेंजर को निरस्त कर दिया गया है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में 930 वर्ग मीटर जमीन 14.5 करोड़ में खरीदी। बॉलीवुड के दिग्गज की यहां है घर बनाने की योजना। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने सभी शराब की दुकानों को बंद रखने के दिए निर्देश। सैन्य और अर्धसैनिक बलों की कैंटीन पर भी ये नियम होगा लागू। वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई व्यवस्था कराई जाएगी लागू। पर्ची सिस्टम से दर्शन करने पर दिया जा रहा है जोर। जल्द ही किया जाएगा ट्रायल। उत्तर प्रदेश को कभी कहा जाता था बीमारू राज्य। 2023-24 में 42.59% लोग गरीबी रेखा से नीचे कर रहे थे गुजर बसर। 2022-23 में आंकड़ा घटकर 17.4% आया। प्रयागराज के त्रिवेणी के पावन संगम पर मकर संक्रांति के अवसर पर 21 लाख लोगों ने किया स्नान। मेलाधिकारी दयानंद प्रसाद के अनुसार 20,90,000 श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। कानपुर के रूपम चौराहा के पास अपना पैलेस अपार्टमेंट में लगी आग। 28 फंसे लोगों को इमारत से निकाला गया बाहर। 1.5 साल के बच्चे को खिड़की से फेंक कर बचाई जान। नीचे लोगों ने उसे किया कैच। सीतापुर जिले में रामकोट थाना क्षेत्र के जवाहरपुर में स्थित चीनी मिल में एक स्टीम टैंक फटने से हादसे में मौके पर ही 3 मजदूरों की मौत, वहीं 2 अन्य मजदूर घायल। प्रदेश में भीषण ठंड का कहर, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 16 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव के दिख रहे हैं संकेत।